नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और आपके साथ में हूँ शिल्पा। नोट बैंक क्या हुए, लोगों की परेशानियां बढ़ गईं, बैंकों के बाहर कतारें लंबी लग गईं, लेकिन इन्हीं परेशान लोगों के लिए कंपनियां राहत की खबर लेकर आई हैं। जी हां, अब आप आराम से कैशलेस शॉपिंग कर सकते हैं और इस शॉपिंग में आपको ढेरों ऑफर्स मिल रहे हैं। क्या रिटेलर्स की ऑनलाइन वेबसाइट सब आपके लिए ढेरों डिस्काउंट लेकर आए हैं? अगर आप दिवाली सेल का फायदा उठाने से चूक गए तो परेशान मत हों। नोटबंदी का मौका आपके लिए एक बार फिर लेकर आया है सेल और डिस्काउंट का फायदा। ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन स्टोर्स, हर कोई ग्राहकों के लिए ढेरों ऑफर्स लेकर आया है। कई कंपनियां डिस्काउंट दे रही हैं, तो कई कैशबैक जैसे ऑफर्स, तो कुछ ब्रांड्स तो अपने लॉयल ग्राहकों के लिए चेक से खरीदारी करने की सुविधा भी लेकर आए हैं। ऑनलाइन कंपनियों के बीच एक बार फिर बेहतर डिस्काउंट की होड़ लग गई है। मिंत्रा आपके लिए खास डिस्काउंट लेकर आया है। डेबिट या क्रेडिट कार्ड से 1299 रुपए की शॉपिंग करने पर आपको मिलेगा 25% डिस्काउंट। कुछ ऐसा ही फायदा आपको जबोंग भी दे रहा है। 999 रुपए की शॉपिंग पर आप पा सकते हैं 25% डिस्काउंट। जहां ऑनलाइन कंपनियां डिस्काउंट लेकर आई हैं, वहीं ऑफलाइन भी इस रेस में पीछे नहीं है। बिग बाजार आपके लिए 21 से 27 नवंबर के बीच लेकर आया है कैशलेस सेल। इस ऑफर के तहत आपको कार्ड के जरिए पेमेंट करने पर 5% अतिरिक्त डिस्काउंट मिलेगा। वहीं कई ब्रांड्स भी इस तरह के ऑफर्स लेकर आए हैं। पेपे जीन्स कार्ड से पेमेंट करने पर 5% अतिरिक्त डिस्काउंट दे रहा है, तो मार्क्स एंड स्पेंसर भी 10% डिस्काउंट दे रहा है। वहीं पुमा तो अपने लॉयल कस्टमर से चेक में भी पेमेंट ले रहा है। यानी तमाम कंपनियां कैश बैन को कैश करने की कोशिश कर रही हैं। नोट बैन बन चुका है ग्राहकों के लिए अब वायदे का सौदा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए, इस कैशलेस सेल आखिरकार कंपनीज को इससे क्या फायदा हो रहा है और इसकी वजह क्या है, ये हम आपको बता रहे हैं कि नोट तो बैन हो गए हैं, करेंसी की यहाँ दिक्कत है, लेकिन लोग तब भी जमकर शॉपिंग कर सकते हैं। वीकेंड में मॉल में 20% लोग कम पहुंचे, तो ऑफ सीजन सेल की आखिरकार जरूरत क्यों पड़ी है। मॉल में फूड कोर्ट में करीब 40% कम लोग गए, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से कंपनीज ने डिसीजन लिया और फैशन कैटेगरी में सेल 25% तक कम हुई और हाइपरमार्केट में सेल 30% तक गिर गई। फैशन मार्केट के बाद हाइपरमार्केट में भी ऐसा ही कुछ हुआ और पेवे जीन्स की जो सेल है वो 50% तक कम हुई है। तो इस तरीके से कम सेल को देखते हुए कंपनीज ने इस तरीके के ऑप्शंस दिए हैं कस्टमर को और ऑफर के बाद बिक्री में सुधार और गिरावट घटकर 26% पर पहुंची। तो ऑफ सीजन सेल की आखिरकार जरूरत यहां पर ऑफलाइन और ऑनलाइन रिटेलर्स को क्यों पड़ी, ये हमने आपको बताया। खास मेहमान भी हैं इस वक्त हमारे साथ, मयंक संघानी, हेड ऑफ ऑपरेशन सेल्स इन्फिनिटी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और बिजॉन मिश्रा कंज्यूमर एक्टिविस्ट हैं हमारे साथ, और इस वक्त एक और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे संवाददाता भी हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। अनुराग है मुंबई से और साथ ही साथ रूही है दिल्ली से हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले रूही का रुख करते हैं। रूही, आप जिस जगह मौजूद हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि लोगों के किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है, उन्हें तमाम कैशलेस होने के बावजूद भी कंपनीज तमाम ऑप्शंस यहां पर दे चुकी हैं जिससे वो जमकर शॉपिंग कर सकते हैं। जी हाँ, देखिए, डीमोनेटाइजेशन आने के बाद हमने काफी सारे शॉप ओनर्स स्टोर्स पे यहाँ पे बात की और सबका यही कहना है कि 50-60% का फुटफॉल कम हुआ है, जिसके लिए वो ऐसे ऑफर्स लेके आए हैं कि लोग आके शॉप में खरीदारी करें, लेकिन उसके बाद भी फुटफॉल ज्यादा बढ़ा नहीं है। अभी भी 20-30% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन अभी तक शॉप ओनर्स अपने टारगेट्स नहीं रीच कर पाए अगर हम इस मंथ की बात करें तो। इसके अलावा हमने लोगों से भी बात की, सबका यही कहना है कि दिक्कतें आ रही हैं, कार्ड का यूज तो कर रहे हैं लेकिन शॉपिंग करने के लिए अभी वो इतना बाहर नहीं निकल रहे हैं क्योंकि उनके पास ऑब्वियसली कैश कम है। शॉप ओनर्स का ये भी कहना था कि जहां पहले कैश और कार्ड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते थे, एज इन यूसेज उनका 50-50% होता था, अब कैश का यूसेज ऑलमोस्ट 0% हो गया। अगर हम ब्रांड स्पेसिफिक बात करें तो लिवाइज में करीबन 50% की सेल का गिरावट देखने को मिला है, वही पीटर इंग्लैंड में
50-60% की सेल में गिरावट देखने को मिली है और लोग वहां पे कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी रूही, आपका रुख करेंगे, इस वक्त अनुराग भी हैं हमारे साथ। अनुराग, आपसे जानना चाहेंगे, लोग कैशलेस होने के बावजूद भी जमकर यहां पर शॉपिंग कर पा रहे हैं क्योंकि कंपनीज ने ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से यहां पर लोगों के पास ऑप्शन रखे हैं कस्टमर्स के पास, तो लोगों को तरफ से किस तरीके का रिस्पॉन्स मिल रहा है? जी बिल्कुल, इस समय मैं हूँ मुंबई के माटुंगा इलाके के एक बिग बाजार स्टोर में। और सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, जब 8 नवंबर को जब डिमोनेटाइजेशन का ऐलान हुआ था तो बिग बाजार और फ्यूचर ग्रुप ने ये ऐलान किया था कि रात को 12 बजे तक आप किसी भी फ्यूचर ग्रुप के स्टोर्स में, बिग बाजार सेंट्रल या ईजोन के स्टोर्स में जाकर आप शॉपिंग कर सकते हैं एक्सटेंडेड आवर्स। तो उस दिन काफी शानदार फुटफॉल हुआ था, कई सारे लोग, क्योंकि अगले दिन बैंक्स बंद थे तो जिनके पास भी, जिनको कोई जरूरी सामान खरीदना था वो सब बिग बाजार में आए थे और रात को देर रात तक बिग बाजार में जमकर शॉपिंग करी थी। उसके बाद आप देखें, क्योंकि बैंकों के बाहर लंबी लंबी लाइनें थी, एटीएम्स बंद थे, तो जो छोटी छोटी चीजें लोगों को खरीदनी थी, चाहे वो सब्जी खरीदनी थी या ग्रोसरी आइटम खरीदने थे या फिर दूसरी एसेंशियल आइटम्स खरीदनी थी, तो क्योंकि खुले पैसों की कमी थी तो लोगों ने जो रुख रहा था, जो अपने छोटे दुकानदार से जो भी आदमी रोजाना राशन खरीदता था वो भी बिग बाजार और उस तरह के दूसरे जो हाइपरमार्केट है उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ। और जो ओवरऑल सेल है वो काफी जबरदस्त रहा, फुटफॉल की बात करें तो काफी शानदार फुटफॉल रही। तो उसी को देखते हुए अब जो बिग बाजार एक सेल लेके आया है, कैशलेस सेल 21st of November से लेके 27th of November, तो इसके इस दौरान अगर आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, वॉलेट से पेमेंट करते हैं या फिर इसके अलावा सुडेक्सो कूपन से पेमेंट करते हैं या फिर जो पेबैक पॉइंट है उनके जरिए भी पेमेंट करते हैं या फिर जो ईएमआई नो कॉस्ट ईएमआई कार्ड है उनके जरिए भी पेमेंट करते हो, हर तरीका का पेमेंट जो कैशलेस है उस पे आपको एडिशनल 5% डिस्काउंट मिलेगा। तो ये तो नकदी की कमी होने के बावजूद भी यहाँ जमकर खरीदारी हो रही है, फुटफॉल में भी किसी तरीके की, जैसा कि अनुराग बता रहे हैं, कोई फिलहाल कमी नहीं। खास मेहमान है इस पर ज्यादा बात करने के लिए, मयंक संघानी, हेड ऑफ ऑपरेशन सेल्स इन्फिनिटी रिटेल क्रोमा। मयंक, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके के ऑफर्स इस सिनेरियो में जहां पर लोग थोड़े परेशान जरूर हैं करेंसी को लेकर, तो किस तरीके के ऑफर्स आपकी तरफ से यहां पर लाए जा रहे हैं? देखिए, हमने जो पिछले 4 से 5 सालों में देखा है कि कैश का जो कंपोनेंट है वो बिजनेस जो कैश से होता था वो धीरे धीरे कम होके 15% पे आ गया है। तो जो भी हमारे प्रोडक्ट जो है वो हाई वैल्यू प्रोडक्ट होते हैं, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, लैपटॉप, मोबाइल इत्यादि जो होते हैं वो हाई वैल्यू होते हैं। जो कैश कस्टमर होते हैं वो हमने देखा है कि 5,000 के से नीचे वाले प्रोडक्ट ज़्यादा करके शॉप करते हैं। उसको फैसिलिटेट करने के लिए हमने पेटीएम, मोबीक्विक इन जैसे कंपनियों के साथ टाइप किया है और हमारा टाइप और भी है बजाज फाइनेंस, टाटा कैपिटल, कैपिटल फर्स्ट, इन सबसे पेमेंट के थ्रू हमारा काफ़ी सेल होता है। 25% हमारा सेल फाइनेंस के थ्रू ऑलरेडी होता है और ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस हमारा क्रेडिट कार्ड पे होता है। क्रेडिट कार्ड पे हमने 0% down पेमेंट की स्कीम क्रेडिट कार्ड और फाइनेंस पे इम्प्लीमेंट की है जिससे हमारा सेल वापस ट्रैक पे आ रहा है। जी जी जी, तो सेल वापस यहाँ पर ट्रैक पर आ रहा है, आप बने रहिए हमारे साथ। बिजॉन मिश्रा कंज्यूमर एक्टिविस्ट भी हैं, उनसे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले रूही का रुख कर लेते हैं। रूही, लोग आपके आसपास कुछ मौजूद हैं हम देख पा रहे हैं, तो वो इस डिस्काउंट का किस तरीके से फायदा यहाँ उठा रहे हैं, उनसे पूछिए। जी रूही, आवाज पहुंच रही है आप तक? तो चलिए, फिलहाल रूही तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। बिजॉन जी, आपका रुख करना चाहूंगी, यहां पर कैशलेस होने के बावजूद भी कंपनीज अच्छा खासा डिस्काउंट दे रही हैं, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको कैशबैक की सुविधा भी मिल रही है, डिस्काउंट भी मिल रहे हैं, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, तो कहा जा सकता है कि वाकई जो कंज्यूमर है वो इससे बेनिफिटेड जरूर हो रहा है। बिल्कुल, अब तो कंज्यूमर इज द किंग जी। अब तो मजा इस बात का है कि कंज्यूमर के पास कई विकल्प आ गया है जी। और वाकई में वो अब वो निर्णय खुद लेंगे कि हम बिग बाजार से खरीदें, क्रोमा से खरीदें, किससे खरीदें। और उनको ये भी मालूम है
कि अब उनको कैश से डील कम करना होगा, उनको ये मालूम है कि अब हमको क्रेडिट कार्ड से अब अपना अभ्यास बढ़ाना होगा, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना होगा, चेक से पेमेंट करने होंगे, यू नो, या डेबिट कार्ड से करना होगा। अब उनको ये मालूम हो गया कि अब वो कैश का जो अनअकाउंटेड पैसा है और जो अनअकाउंटेड पैसे से वो खरीदारी नहीं कर सकेंगे, और जो भी खरीदारी वो करेंगे वो उसको लीगली करना होगा। और उससे सबसे बड़ा फायदा ये है कि डिस्काउंट के अलावा लेजिटिमेट प्रोडक्ट्स मिलेंगे उनको, यू नो, फेक प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे, काउंटरफिट प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे, उनको सही गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट्स मिलेंगे, क्योंकि सही कंपनीज से डील करेंगे, सही डीलर्स से डील करेंगे, जो डीलर्स के पास क्षमता है वही डीलर्स आज सेवा पहुंचा सकेंगे कंज्यूमर को। छोटे मोटे दुकानदार जो पहले कैश पे मैक्सिमम डील करते थे, उनको भी सोचना होगा कि हम कैसे कैशलेस होए, हम कैसे, यू नो, अपना, यू नो, टेक्नोलॉजी अपनाए और वो इंस्ट्रूमेंट ले जिससे वो क्रेडिट कार्ड से बात कर सके, काम कर सकें। तो हर दुकानदार अब ये समझ गया है कि वो कर को लेकर खिलवाड़ नहीं कर सकता है, सारे कर को उनको जमा करना होगा, सही ढंग से करना होगा, सारे ट्रांजैक्शन सही रूप से करना होगा। तो अब उपभोक्ता के अंदर में भी एक मतलब उत्साह आ गया है कि हमको, हम यदि सही ढंग से खरीदारी करेंगे, जो चाहिए हमको, हमको उस पर डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो अब उनको 10 जगह जाके वो खोज भी सकते हैं। न्यूज़पेपर में आप देखिए रोज कुछ ना कुछ विज्ञापन आ रहे हैं ये कहने के लिए कि आप यदि हमारे पास आते हैं तो आपको करेंसी लेकर आने का जरूरत नहीं है, आपके पास खाली बैंक अकाउंट होना चाहिए। और कई बैंक के साथ वो लोग संबंध किए हैं, तो हम समझते हैं कि ये अच्छा दिन जो हमारे प्रधानमंत्री कह रहे थे वो उपभोक्ताओं के लिए आ रहा है, आ गया है, और आगे आगे और भी आने वाला है। जी जी, आप बने रहिए हमारे साथ, एक बार फिर से रूही का रुख कर लेते हैं। रूही, कुछ लोग आपके आसपास इस वक्त अगर मौजूद हैं तो उनसे जानिए कि ये जो डिस्काउंट और ऑफर्स मिल रहे हैं किस तरीके से लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। जी सर, कार्ड्स का यूज इस्तेमाल करने पे काफी सारे डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, तो किस तरीके से आप उसका फायदा उठा रहे हैं? देखिए, अभी तक जो मैं यूज करता था, मैं कैश यूज किया करता था, लेकिन आज की डेट में मैं देख रहा हूँ कि मैं कहीं भी शॉप में जा रहा हूँ, चाहे मैकडी जा रहा हूँ, मैकडी तो नहीं, एटलीस्ट मैं कहीं शॉपिंग मॉल में भी जा रहा हूँ, तो मैं कार्ड स्वैप कर रहा हूँ, उस पर कई तरीके के ऑफर्स हैं, डिस्काउंट हैं। आज की डेट में डिजिटल इंडिया अगर हम लोग बनाना चाहते हैं, इंडिया को थोड़ा ऊपर उठाना चाहते हैं, तो हम लोगों को उस कैश की दुनिया से ऊपर आना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग कैश यूज़ किया करते थे अभी तक, जो इधर उधर दिया करते थे, जिसकी काउंटिंग भी नहीं हुआ करती थी। बट आज की डेट में हम अगर कार्ड यूज़ कर रहे हैं, एटलीस्ट हमारे अकाउंट से अकाउंट में ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इट्स गुड फॉर अस, फॉर एवरीवन। सर, आप किस तरीके से इन ऑफर्स का फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि जनरली इस सीजन में ऑफर्स नहीं दिया करते हैं? ऑफर पहले दिए नहीं जाते, होता क्या था, लोग पहले कैश लेके चलते थे, तुरंत निकला कैश, शॉपिंग करी, निकल लिया। अब क्या, जब से नोटबंदी हो गई है, उससे थोड़ी दिक्कतों का सामना तो करना पड़ रहा है, लेकिन फ्यूचर अगर ब्राइट रखना है तो उस चीज़ को करना पड़ेगा। लोग कहते हैं प्रॉब्लम इतनी है नहीं, काफ़ी चीज़ के ऑफर आ रहे हैं, आप शॉपिंग करने जाओ, कैशबैक है पेटीएम के थ्रू, आज दिन में जरा कोई भी चीज़ खरीदोगे तो पेटीएम से आप कैश दे सकते हो, तो कैश बंदी खत्म हो जाएगी। बहुत बेनिफिट, लोग बोलते हैं जिससे दिक्कत होती है, अगर हमें अपना फ्यूचर अच्छा देखना है तो कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा उसके। तो ये लोग हमें बता रहे थे कि किस तरीके से ये डिस्काउंट्स का फायदा उठा रहे हैं। इसके अलावा मैं काफी सारे लोगों से बात की और उन्होंने कहा कि इतनी दिक्कतें नहीं आ रही हैं शॉपिंग करते वक्त। जी जी जी, रूही, हम भी देख पा रहे हैं कि लोग इतने परेशान नहीं हैं। उनका कहना है कि अब उनके पास बहुत से ऑप्शंस हैं कैशलेस होने के बावजूद भी। मयंक संघानी, ये बताइए कि कस्टमर्स को तो इससे फायदा पहुंच रहा है, लेकिन अब डेबिट क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल है, पेटीएम है, तमाम तरीके के ऑप्शन जो कंपनीज दे रही हैं, जाहिर है कि कंपनीज भी इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रही हैं। जी बिल्कुल, ये बिजनेस को वापस ट्रैक पे लाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कस्टमर को हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को पता है कि हम बहुत सारे पेमेंट ऑप्शन हमारे पास है, कैश है, चेक है, बैंक के थ्रू ऑनलाइन RTGS NEFT कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पेटीएम और दूसरे वॉलेट्स से हमने टाइप किया हुआ है, इसे कस्टमर को। और सबसे बड़ी बात है कि आप फाइनेंस कंपनी के थ्रू और क्रेडिट कार्ड कंपनियों के थ्रू EMI में करा सकते हैं, जिससे आपको 3 से 6 महीने, 12 महीने तक का
आपको इंस्टॉलमेंट होता है, तो इससे कस्टमर्स को काफी फायदा हो रहा है। जी जी बेजोन जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि सबसे बड़ी बात जो है कि जो कर का चोरी हो रहा था पहले, जी, जो कैश से पेमेंट करते थे, रिसीट नहीं देते थे, कंज्यूमर वो सोचते थे कि हमारे लिए बहुत बढ़िया है, हम टैक्स बचा रहे हैं, बट एक्चुअली कंज्यूमर टैक्स नहीं बचा रहा था, वो दुकानदारी के वो पूरा कर को हड़प ले रहे थे। तो अब इससे ये हो रहा है कि आप कंज्यूमर भी समझ रहा है कि हम यदि सही ढंग से रिसीट लें, सही ढंग से पेमेंट करें, तो हमको डिस्काउंट भी मिलेगा, अच्छा सामान भी मिलेगा और सरकार को कर भी मिलेगा, जो क्योंकि कर लग कर आता है, जहां भी मैन्युफैक्चरर होता है वो कर लगा के भेजते थे, लेकिन हर समय दुकानदार एक जागरूक उपभोक्ता नहीं होने के कारण कह देते थे कि आप रिसीट लोगे तो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना होगा, आपको कर देना होगा। तो ये सारे जो बहम था वो अब हट गया है, अब लोग समझने लग गए हैं कि हम यदि कैश से भी पेमेंट करें थ्रू पीटीएम ऑफिशियली रिसीट लें तो हमको कम पैसे में अच्छे सामान मिलेंगे।